एक मंथ थे मेरे जो मेरे लिए बहुत टफ, चलिए जॉब हमारा एक पूरे आने वाले साल को बदल सकता है। मतलब मैं ऐसा हो गया था टॉप 100 के अंदर तो आऊंगा ही मैं, पर मैंने अपना डेडिकेशन अपने एम को ड्रॉप आउट नहीं किया। चलिए एक और नेम से 22 के टॉपर से मिलते हैं, ऑल इंडिया रैंक 79, नाम है विकास और जो कि नागालैंड से हैं और ये भोपाल में आके इन्होंने क्लासरूम ट्रेनिंग ली। नागालैंड से भोपाल की अगर बात करें तो बहुत लंबी जर्नी है, ऑलमोस्ट 2 दिन से ज्यादा समय लगता है, पर इन्होंने आके काफी अच्छे से पढ़ाई की। और विकास, सबसे पहले तो ऑल इंडिया 79 रैंक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। अच्छा, इनके बारे में मैं बताना चाहूंगा क्योंकि इन्होंने भोपाल आके पढ़ाई की, नागालैंड और एमपी के वेदर में बहुत डिफरेंस है। जब कोई बच्चे नॉर्थ के या आसपास के बॉम्बे वगैरह के आते हैं तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, पर नॉर्थ वाले, आप मतलब नागालैंड से आए तो ऑब्वियसली आपने बहुत प्रॉब्लम फेस की, अलग अलग तरह के इशू आए, पर इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही और पूरे साल भर डट के पढ़ाई की और इसीलिए ऑल इंडिया 79 रैंक। तो विकास, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जो इम्पीटस गुरुकुल की इंटायर सक्सेस जर्नी है वो क्या थी, वो बताएं आप। हेलो एवरीवन, मेरा नाम विकास शाह है। मैंने अपनी स्कूलिंग प्लस टू नागालैंड बोर्ड से की थी। मैंने अपने ग्रेजुएशन कलकत्ता यूनिवर्सिटी अंडर टीएचके जैन कॉलेज से किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं ये पूरा जर्नी बताने से पहले मैं अपने इस अचीवमेंट के लिए मैं अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स और ये पूरे इम्पीटस टीम को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा, स्पेशली सर सर एंड प्रतीक सर, जिन्होंने मुझे कंस्टेंटली मोटिवेट किया हर एक पॉइंट पर। जब मैं ये एक्चुअली मेरा ड्रॉप ईयर है, जब लास्ट ईयर मेरे रैंक 936 थी, जब वो एक मंथ थे मेरे जो मेरे लिए बहुत टफ थे, बिकॉज मैं हम तीन एक मेरे तीन फ्रेंड्स थे, मैं, नीतू और सिद्धार्थ। एक्चुअली सिद्धार्थ का सिलेक्शन हो गया था, हम दोनों फ्रेंड्स के नहीं हुए थे। तो उस वक्त एक ऐसा भी था कि कहीं ना कहीं लगा था कि एक मेरा फ्रेंड आगे चला गया, मैं पीछे रह गया, बहुत डिमोटिवेट हो चुका था उस वक्त। तो सर से बात किया, तो उस वक्त सर से बात करके जस्ट ऐसा लगा कि हाँ नहीं, कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने जो मिस आउट की थी वो हम लोग ड्रॉप दे के हम लोग कर सकते। सर ने एक चीज़ ये बहुत अच्छा बताया हम लोगों को, जिससे मैं मोटिवेट हुआ कि हम लोग ये ड्रॉप नहीं दे रहे हैं, एक्चुअली ड्रॉप हमारा एक पूरे आने वाले साल को बदल सकता है, जो सर पूरे साल भर आप लोगों ने सुना हुआ कहीं ना कहीं, जस्ट उसी के लिए हम लोगों ने ड्रॉप दिया। और यहाँ में मैं लास्ट ईयर अक्टूबर 21 में जस्ट आया था और फिर उसके बाद अपनी जर्नी स्टार्ट किया। लास्ट ईयर जो मेरे लूप एंड फॉल्स थे, जैसे कि मैं कंस्टेंटली बहुत एरर करता था, मेरे एक्यूरेसी बहुत कम थी, मतलब मैं अगर 50 क्वेश्चन है मैथ के तो उसमें मेरे ऑलमोस्ट 30 जैसे रॉन्ग हो जाते थे, मैथ के सिर्फ 10 जैसे रॉन्ग होते थे। तो इस साल जब मैं क्लासरूम में ज्वाइन किया, मैंने उसका पर वर्कआउट किया, जितने भी उलूफ एंड फोर्स थे, मैंने लास्ट ईयर अपने थ्योरी को इतना कंसेप्ट को स्ट्रांग नहीं बनाया था, इस साल वो सब चीज़ों को मैं जितने भी बारीकी चीज़ें थी उन सब के बारे में वर्कआउट करके अपनी चीज़ों को ठीक से करते गया। लास्ट तक तो इतने सारे जो मॉक दिए मैंने, 68 मॉक ऑलमोस्ट, कितने ऑलमोस्ट 50 प्लस टेस्ट थे, उन सब को इतना ज़्यादा तरीके से एनालिसिस कर चुका था कि मतलब मैं ऐसा हो गया था टॉप 100 के अंदर तो आऊँगा ही मैं, ऐसा हो गया था। मैं ट्राई करता टॉप 50 के अंदर में, पर मैं वही एक्यूरेसी की वजह से लास्ट में एक्यूरेसी में ठीक नहीं कर पाया। तो इस बार भी मेरे तीन जैसे तीन या चार रॉन्ग हो गए मैथ में, बस उसलिए मेरा थोड़ा सा रैंक डाउन चला गया। तो देखिए, विकास ने अभी जो अपनी सक्सेस जर्नी में कुछ बातें बताई, मैं आपको बोलना चाहूंगा, कई लोग ड्रॉप को ये समझते हैं कि एक साल वेस्ट ना हो जाए या एक साल खराब ना हो जाए। सबसे पहले तो ये वर्ड 100% रॉन्ग है, ये आपका इन्वेस्टमेंट ईयर है। अगर एक साल देने से आपकी इंटायर लाइफ चेंज हो रही है, अगले आने वाले 50 साल चेंज होना है, तो ये बहुत छोटी सी जर्नी है। दूसरी बात, इसने एक और बात बोली जो आप सबको याद रखना, अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं, चाहे फर्स्ट ड्रॉप है चाहे सेकंड, पर जो गलतियां आपने अभी की है अगर वही अगले साल करोगे तो आपका ड्रॉप लेने का कोई फायदा नहीं, वही रैंक आने वाली। आपको अपनी गलतियों पे, आपको अपनी मिस्टेक पे, जो चीजें आपको समझ में आई उस पर वर्क करना पड़ेगा, जो इसने किया, काफी हद तक किया। उसके बाद भी 2-3 क्वेश्चन मैथ्स में ज्यादा रॉन्ग हो गए, नहीं तो मैं श्योर हूं कि टॉप 50 या हो सकता है अंडर 20 रैंक में होता, बट एनीवे अभी भी 79 रैंक है, जो अपने आप में बहुत वैल्यू रखती है। पर कुछ चीजें जो हम सब समझे कि अगर आप में से कोई भी जो सुन रहा है, अगर ड्रॉप लेने का मन बना रहा है तो ड्रॉप लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो गलतियां आपने अभी की उनको आपको 100% दूर करना। अच्छा विकास, ये तो आपने आप एक चीज बताई, अब आपका इम्पीटस की जर्नी कैसी रही? इम्पीटस में आपको, क्योंकि आपको बहुत सारी फूड प्रॉब्लम्स या ये सब कुछ कुछ हुई हैं, पर फिर भी मैनेज किया, क्योंकि मेरा मानना मैनेज करना ही सबसे बड़ी बात है। तो आप अपना मैसेज क्या देना चाहोगे, क्योंकि कई लोग बाहर निकलने से डरते हैं, तो आप तो इतनी दूर से निकल के आए, तो आप क्या कहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको मैं ये चीज़ जरूर बोलना चाहूँगा, जब आप अपने नेटिव स्टेट से जब बाहर निकलते हो तो आप ये सोच के तो मत निकलना, जब नेटिव स्टेट में आपको जो मिला घर का माहौल और बाहर का माहौल पूरा अलग होता है,
पर एक डेडिकेशन के साथ जरूर निकलना कि खाने पीने ये सब प्रॉब्लम आएंगे, वेदर की प्रॉब्लम बहुत आएगी। मैं भी कंस्टेंटली मतलब बीमार पड़ता रहा, मेरे फीवर में एक स्टोमा का प्रॉब्लम है, कंस्टेंटली प्रॉब्लम होते रहते थे मुझे। मतलब पाँव में प्रॉब्लम हो गया था मेरे, 3 मंथ में एक्चुअली ऑफलाइन होते हुए भी 3 मंथ जैसे कोचिंग नहीं आ पाया था, पर मैंने अपना डेडिकेशन अपने एम को ड्रॉप आउट नहीं किया। मैं कोचिंग नहीं आता था, पर कंस्टेंटली हॉस्टल में ही सर के हॉस्टल जो प्रोवाइड किए थे वही हॉस्टल में रह के ही मैंने प्रिपरेशन किया। कंस्टेंटली मैं क्लासेस करने तो जरूर आता था, चाहे मैं थ्रू आउटली क्लास पूरा सेशन बैठ पाऊँ कि नहीं बैठ पाऊँ। स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई, पर कंस्टेंटली करते करते आदत से हो गई। तो चलिए विकास, आपकी सक्सेस जर्नी काफ़ी अच्छी रही, बाई चांस की बात है, क्योंकि आप जिस जगह से आए थे स्टेट से वहाँ का और एमपी के वेदर में काफ़ी अंतर है, पर जैसे दिल्ली हरियाणा पंजाब ये बच्चे आते हैं उनको इतनी दिक्कत नहीं होती, बट इस बच्चे ने बहुत मेहनत की, कभी भी हिम्मत नहीं हारी और लगातार पढ़ाई करता रहा, कंटिन्यूसली हर टेस्ट हर चीज पे वर्क किया। तो मैं एक बार फिर से आपको ढेर सारी शुभकामना देना चाहूंगा, और अब आप ऐसे ही एनआईटी में भी जाके बेस्ट परफॉर्मेंस दो। वंस अगेन कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। थैंक यू।